और बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ध्वजा वूडन का। दोस्तों, जो पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि वूडन की पैलिंग हम किस तरह से कर सकते हैं भक्तों के ऊपर, और पैलिंग जिस तरह से हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ये जो हम बना रहे हैं ये पूरा कजारिया का शोरूम बना रहे हैं। कजारिया का जो डिस्प्ले है वो हम बना रहे हैं। अब आपको दिखाऊंगा कि कजारिया के शोरूम के ऊपर जो हमने ये टाइल वुडन पैनलिंग के ऊपर जो हमने टाइल लगाई थी किस तरह से, और किस तरह से कटिंग होती है, किस तरह से हम उसको लगाते हैं। बेसिकली जो वॉल के ऊपर सीमेंट लगाते हैं उसका कुछ अलग प्रोसीजर होता है, और जो हम डिस्प्ले में टाइल लगाते हैं इसका कुछ अलग प्रोसीजर होता है। दोस्तों, आज जो मेन वीडियो का टॉपिक है वो है टाइल की जिस मशीन से हम कटिंग करते हैं, आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों, जो टाइल काटने की जो मशीन होती है उससे जो हम ग्राइंडर या दूसरी मशीनों से हम टाइल काटते हैं, तो मैं नज़दीक से दिखाऊंगा वीडियो में। कुछ इस तरह से आपके पास ग्राइंडर मशीन होती है जिसके अंदर हम ये 4 इंची का जो ब्लेड बांधते हैं इससे हम कटिंग करते हैं, और इससे कटिंग करने के चलते हुए हमारी जो टाइल की फिनिशिंग है वो थोड़ी उसकी चिपिंग खराब हो जाती है। मैं वीडियो में आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, इससे हम अगर ग्राइंडर से काटते हैं तो ये जो धार है इसकी ये थोड़ी सी खराब बन जाती है, तो इसी को देखते हुए हमने अपने काम को फिनिशिंग में लाने के लिए जो हमने एक अभी आपको मशीन मंगवाई है जो मैनुअल जी मशीन होती है, आप वीडियो में देख रहे होंगे, नज़दीक से दिखाएंगे वीडियो में, और इससे कटिंग करके हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कितनी अच्छे से इसकी धार की कटिंग होती है। मैं मिस्त्री साहब को कहूँगा एक बार काट के दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, ऐसे करते हैं और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बहुत ही कम समय में, ये देखिए दोस्तों कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, आप ये देख सकते हैं बिल्कुल 0-0 फिनिशिंग है। जो हम ग्राइंडर से काटते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि ग्राइंडर से काटने से क्या होता है, इसका जो मैं आपको बता रहा था इसकी जो चिपिंग है इस तरह से जो ऊपर की लेयर होती है वो खराब हो जाती है, और हम जब टाइल इसको लगा देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। साथियों, इस मशीन की मदद से आप कम से कम 1 इंची 1.25 इंची की पट्टी भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ कटिंग कर सकते हो। मैं भी आपको 1.25 इंची या 1 इंची की पट्टी कटिंग करके दिखाऊंगा, और हाँ दोस्तों मैं भी आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। इस मशीन के अंदर आपको नापने की भी जरूरत नहीं होती, इसके अंदर कंपनी ने गेज बनाया हुआ है 20-20 mm 10-10 mm पूरा कितना भी आप कर सकते हो। इसी तरह से हम छोटी पट्टी भी आराम से ये कर सकते हैं, और ऐसे करके ये देखिए कितनी साफ सुथरी पट्टी। कहीं भी हम डिजाइनिंग का काम करते हैं टाइल का, तो हम ग्राइंडर से या मशीन से काटते हैं तो वो टाइल की पट्टी इतनी अच्छे से नहीं कट पाती है, उसकी धार खराब हो जाती है। तो इस मशीन से आप डिजाइनिंग की टाइल भी लगा सकते हो। ये हमने दूसरी पट्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमने ग्राइंडर से कटिंग की हुई है। आप इस कटिंग को देख सकते हैं कितनी गंदी कटिंग है, ये बहुत अच्छे से नहीं हुई है, और इसी दूसरी कटिंग को आप देख सकते हो बिल्कुल जैसे कंपनी से धार बनी हुई होती है, बिल्कुल इस तरह से कंपनी की धार जैसे बनी होती है ऐसे देखने में लगती है। तो इसीलिए हमने आज ये मशीन मंगवाई है। मशीन की भी अगर हम इसको देखते हैं, मशीन भी ज़्यादा महंगी नहीं होती काम के हिसाब से, जितना फिनिशिंग से काम करती है, ये जितना भी आप शोरूम देख रहे हो ये पजाजा का शोरूम बना रहे हैं, और इसके ऊपर जितने भी पार्टीशन है ये पीछे मैं उधर भी दिखाऊंगा आपको, ये जो हमने बनाया है इन सभी के ऊपर टाइल्स फिक्सिंग करेंगे, टाइल्स टाइल पोल और कील से, इस तरह से पीछे कील लगी हुई है, इस तरह से आपको अगली वीडियो में कंप्लीट हम आपको दिखाएंगे। ओके।